जी हम ये ईरान के बॉर्डर पे आ गए हैं, पापा भी बनाई है इंडिया। जैसे कि आप देख रहे हैं वसीम भाई, हेलो पानी दे वे। पानी ले ये हम जा रहे हैं बाबे। ओ यार रख टोपी क्या भाई, मजा आया गर्मी। बोलो बोलो सखी लाल कलंदर ये हम डंकी लगा के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम ये चाइना बॉर्डर पे जा रहे हैं। हमने पीछे कह के आए हैं कि अगर हम ना आए पीछे तो हमें आ जाना, हमें सबको बुलाने बताओ बड़ा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कह सबको बुलाने बताओ बड़ा है। इस भाई की 17 घंटा यहाँ आए था बस। ये काफी काफी दूर जाना है, हमने अभी काफी दूर जाना है। ये देखें हमने पानी की बोतलें पकड़ ली हैं, काफी दूर जाना है यहाँ से। और ये आप देख सकते हैं, ये आप आपको भाई बताएंगे। बहुत ही कदीमी जगह है जो जिसको 1.25 लाख फुकरा की नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पे ये कुछ हमारे साथ पागल भी आए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो हमारी बातों को ये सब कूड़े बातें हैं। सारे कमले देख सकते हैं, हमने दो बंदे और बुला लिए हैं पानी के लेकर आ रहे हैं वो। और काफी गर्मी है यहाँ पे। ये हमने काफी दूर जाना है। देखें यहाँ पर क्या लिखा है, ये आली मदद भी लिखा हुआ है। ये काफी बड़ा पहाड़ है, यहाँ से तो छोटा लग रहा है हमें। ये हम रवाना हो गए हैं, ये हम सारे भाई जा रहे हैं। रवाना हो चुके हम, अब हमने काफी दूर तक जाना है। जीवा भाई ये हम अब जा रहे हैं। आप बताएंगे कुछ कि हम किस जानिब जा रहे हैं? ये हम जा रहे हैं चंबा मौलवी इस्लाम पे, जहाँ पे बयान किया जाता है कि मौलवी इस्लाम पड़ी गिरी थी पहाड़ को जो काटा जाता है उसको लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। वो गिरा था एक पत्थर बड़ा सा और मौलवी इस्लाम ने एक हाथ से रोक दिया था। पानी उस जगह पे जा रहे हैं, ये सारे धूप में पागल हुए हैं, इनको गर्मी में पागल हो गए हैं। घिरा हुआ है चारों तरफ से, ऊपर से चारों तरफ से, ऊपर से आप सूरज को देख सकते हैं, इतनी सख्त तपिश है और ये काफी तपिश है। पत्थर पे आपकी बहुत ज्यादा होती है। और दिन का एक बज रहा है और दिन का एक बज रहा है, इनकी सुनो, दो बज रहे हैं, इनकी भी सुनो। अब हम जाएंगे देखते हैं कौन कहाँ तक पहुँच सकता है। हमने इन सबको पहले ही कह दिया था कि वार्निंग दे दी थी, जिम्मेदारी पे आ रहा है, जो बंदा गिर गया हम उधर ही फेंक के आ जाएंगे, उठाने में उठाने के हमें हिम्मत नहीं है भाई जान। ये हमारा एविडेंस भी होगा और किसी का किसी पे कोई फोकस नहीं होगा, किसी का कोई किसी पे कोई हाथ नहीं होगा कि यार इसको ये लेके गया, इसको ये लेके गया है। जो बंदा गिर गया वो गिर गया, इसको उठाकर हम वापस नहीं लाएंगे। देख सकते हैं आप, हम जा रहे हैं, ये काफी खतरनाक जगह है। यहाँ पे खतरनाक जगह है, सुनसान एरिया है, बहुत ही सुनसान एरिया है।
और धूप के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं हम पानी की बोतलें साथ लेके आए हैं। ये बोतल मैं बुढ़े तू थक वैसे चा चा और तो मैं अच्छा हुआ ये थक वैसे तू चा मंडे। हमारे साथ कुछ लोकल लोग भी मौजूद हैं आप इनकी लैंग्वेज से। ये देख सकते हैं आप ये भाई ने मुंह छुपाया हुआ है मुंह खोल रहा है इसका मुंह दिखाया है ये चोर है साडा जेब कतरा से हम ध्यान मत आ नहीं देते जो पत्थर है पहाड़ आज बता के सर यही बंदा है ये लोकल बंदा है ये देखें वो कह रहा है ऐसा चलो वीर ये भाई बिच्छू रह गया है स्पीड से रह गया है देखें लगा ये जो जा रहे हैं भाई सजाद भाई कुछ कहना चाहेंगे मुझे लग रहा है कुछ नहीं कह रहे इनको गर्मी लगी हुई है गर्मी के अलावा इन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा अब हम आपको आगे जाके दिखाते हैं कि आगे का मंजर जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम आपको बताएंगे। ये हम डंकी लगा रहे हैं ये सारे लोग कोई चार भाई को देख सकते हैं आप चले किस जा रहे हैं पाकिस्तान से निकल रहा है काफी दूर से आ रहे हैं हम अभी चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। पिछला बंदा जो वजीरिस्तान से आ रहा है वो कहता मैंने तुर्की जाना है वहां की लड़की को उसने देखा है ये भाई को देख सकते हैं ये उनका कमला ने गिरा इनका रुपया ने धोते ये फौजी आ रहा है ये पहला बंदा है ये तुर्की जाना चाहता है ये भी बस यार हालात ऐसे हैं कि तुर्की जाना पड़ेगा वाला घर देंगे काम ठीक है और मंजवा पोजी साहब को नहीं नकने मुंह करना सब कपड़े हमें नवन कोई नहीं आता कोई नहीं आता काफी गर्मी है सर में से पानी गिर रहा है। अब हम चंबे पे पहुंच चुके हैं कलम की ज़ियारत करने काफी मुश्किल ऐसा लग रहा है पीछे से आपको दिखाता हूँ मैं एक मिनट सब्र करें देखते हैं पहुँच चुके हैं हम ऊपर हम पहुँच गए सजाद भाई एंड पे रह चुके हैं और अब हम अंदर जाने लगे हैं अंदर की ज़ियारत करवाएं आपको ये हम आए हैं चंबा पे पहुंच चुके हैं हम जिसपे आपने देखा था आपको पहले बताया जा चुका है कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से पहाड़ गिरा था तो कोई कहता है कि कोई सहाबा कराम थे और किसी से मंसूब करते हैं तो कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं शाबाश और ये आप देख सकते हैं ये निशान यहाँ पे सर्कल लगाया हुआ है उन्होंने ग्रीन कौन सा हाथ बना हुआ है हम पहुँच चुके हैं काफी गर्मी है बहुत ज्यादा ये आप हमारी कैबिनेट को देख सकते हैं लोग जो हैं ये गिरे पड़े हैं अभी हुए हैं अभी आगे जाएंगे और आगे देखते हैं कौन कौन सी ज़ियारत हम कर सकते हैं। अब आगे का मंजर हम आपको दिखाएंगे। गाइडर हैं आप देख सकते ये हैं। ये गाइडर बैठे हैं। मैं साहब पूरा ज़ियारत करने वाले तो वसीम साहब बैठे हुए हैं इनको वसीम को काफी गर्मी छूट रही है तो अब हमें थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे रेस्ट के बाद हम फिर से शुरू करेंगे हम उस चंबा से दूसरी साइड पे जिस पे आपको अभी तारफ करवाया था उसकी दूसरी बैक साइड पे आए हुए हैं तो आप ये देख सकते हैं ये सारा इलाका वो बच्चे आप देख सकते हैं शायद मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके वो ऊपर जा रहे हैं आई थिंक वहाँ पे कोई मज़ार वगैरह तो नहीं है तो ये बस अपना शौक पूरा करने के लिए आए हुए हैं पहाड़ों पर तो हम वहाँ पर ज़ियारत कर चुके हैं अब हम आगे जाएँगे अब मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं अब वहाँ से हम यहाँ पर आए हैं तो ये चिल्ला गाह है हज़रत पीर शहीद साहब अलैहिर्रहमत की तो इसके बाद हम जाएंगे आप कैमरामैन मेरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं ये अंदर जहाँ पे वो बैठकर इबादत करते थे ये सामने बिल्कुल ये देखें
ये पहाड़ है, ये उसके अंदर ये गार है, तो उसके अंदर ये बैठ के इबादत वगैरह करते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मुत्तकी परहेज़गार लोग थे। हम तो बिल्कुल फाकी हैं और हम इबादत करें भी कितनी करेंगे, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। जितनी भी मेहनत करें हम वहाँ उन हस्तियों को नहीं पहुँच सकते जैसा उन्होंने मेहनत की है। तो आज उन लोगों के, उन हस्तियों के मतलब दरबारों पर लोगों की आमद रफ्त होती है। तो इससे आगे हम जाएंगे, देखते हैं आपको और मज़ारात वगैरह की ज़्यारत करवाते हैं। अब चलते हैं आगे। सारे बैठे नहीं था आराम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख सकते हैं वहाँ से घर से यहाँ से यहाँ तक आगे चिला घर से आप जहाँ पे देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाड़ लगी हुई है, ये बॉर्डर है। उससे दूसरी तरफ जो है ये मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं वज़ीरिस्तान है, ये बिल्कुल झूठ है। वो उन्होंने फैक्ट्री एरिया लगाया हुआ है, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लगनी है, तो वो वहाँ पे उन्होंने अपना कारोबार वगैरह बिजनेस शुरू करना है, तभी उन्होंने ये पहाड़ ख़रीदा हुआ है। तो अब हम आगे जाएंगे, आगे जाके आपको और मालूमात फराहम करते हैं। असा लाला पहुंच गए असान वज़ीरिस्तान दे बॉर्डर ते खड़े मेरे भिरावो को ये मुश्किल से आ रहा हूं आप देख सकते हैं। काफी आराम आराम से चलते हुए आ रहे हैं एहतियात के साथ, क्योंकि ये अगर एक बंदा भी फिसला तो बाकी सब के सब जाएंगे। ये देख सकते हैं ये इन भाइयों को चलते चले चलते, ये नुमाइंदे पे भी कैमरा मारो ना। ये देखें आप, चलो 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 चलो, काफी दुश्वार रास्ता है तो सभी बहुत एहतियात से चल रहे हैं। तंगी दस रहा था केरी चीज़ हो रही है, पानी की तंगी हो रही है। ये देखें बोतलें खाली हो चुकी हैं हमारी, हमारी बोतलें खाली हो चुकी हैं। ये देख लें, अभी आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, हमारे कुछ लोग काफी तेज चल रहे हैं, काफी आगे पहुंच गए हैं। देख सकते हैं हमारे कुछ लोग पीछे भी हैं, अभी पीछे भी हैं काफी। ये देखो अब हमें काफी गर्मी लग गई है, हम अब आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स के बाद। आगे हम अभी पानी ढूंढेंगे थोड़ा सा। ये देख लें अब वो काफी ऊपर से आते हैं, वो आ रहे हैं। तलाश किया जहाँ पे हम नहा सके, इतनी गर्मी थी, इतनी प्यास लगी हुई थी। ये आप हमारी पूरी टीम देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, देख सकते हैं ये सारे बच्चे और हमारी टीम के नौजवान सब आ रहे। इतनी गर्मी, शदीद गर्मी थी, आप आगे आए हम आपको दिखाते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है। ये बच्चे और हमारी टीम के पूरे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, और वो देखे वो क्या कर रहा है। ए बदतमीज, अब मैं दोबारा, पहले मैं नहा चुका हूँ, अब मैं दोबारा जाऊँगा, काफ़ी गर्मी लगी। ये मैं जा रहा हूँ, बच्चे के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। नहाने के बाद हम एक और ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं, हमारी टीम भी हमारे साथ है। ये जगह है पीर भौर सुल्तान अलैहिर्रहम आज़ी। अब हम यहाँ से, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, हम सीढ़ियों से चढ़कर जा रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे ज़ियारत करेंगे, यहाँ पे ज़ियारत करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। आज हमारा सारा दिन ऐसे गुजरा, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और प्यास में भी बड़ी शिद्दत है, पानी कहीं मिला कहीं नहीं मिला, और दहाते हैं बस इस यकीन के साथ चल रहे हैं कि आगे शायद पानी हो, आगे शायद पानी हो। नहाने के बाद हम अब जहाँ पे आएंगे इस जगह की हम आपको ज़ियारत करवाते हैं, उससे आगे इंशाल्लाह फिर हम आपको बताएंगे। ये हम पहुंच चुके हैं पीर भौर सुल्तान की जगह पर, आप देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। पीर भौर सुल्तान, अब हम अंदर जाएंगे ज़ियारत करेंगे। पीर भौर सुल्तान अलैहिर्रहमा का मज़ार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाई, ये पहाड़ों के चारों तरफ इसके पहाड़ हैं, ये पहाड़ों में घिरे हुए हैं।
यहाँ पे है ऐसी जगह जहाँ पे औलिया अल्लाह मौजूद हैं, यहाँ पे लोग मन्नत के लिए आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करवाने के बाद यहाँ पे हाज़री नज़र व नियाज देते हैं। और हमें चाहिए कि हमें ऐसी जगहों पे आना चाहिए, हम इन मुत्तकी परहेज़गार लोगों के वसीला से अल्लाह से मांगते हैं। तो इंशाल्लाह हम आप यहाँ पे आए हैं अपनी मन्नत मांगेंगे, जो मन्नत मुराद पूरी होगी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब फिर आएंगे और यहाँ पे अपनी नज़र नियाज देंगे। बहुत शुक्रिया।